स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14, दैट इज फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने उसके सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे और हम लोग एक्सरसाइज 14.2 पे थे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर होगा कि जो भी मतलब मैंने वीडियोज डाली हैं, जो भी आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हमें आइडेंटिटीज की हेल्प से फैक्टराइज करना है, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद हमें आइडेंटिटीज को अप्लाई करना आना चाहिए एज यूजुअल, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। नाउ अब इसके पहले आइडेंटिटी बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी लिखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी जो है वो लिखनी इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। चाहे आप लोगों का पूरा क्वेश्चन भी ठीक हो, बट आप लोगों का आइडेंटिटी मेंशन नहीं करोगे, रीजन मेंशन नहीं करोगे, तो आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। नाउ इसको बस फैक्टराइज कर दो। ओके, सो आइडेंटिटी मतलब क्वेश्चन सॉल्व। नाउ अब इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस भी हैं। दिस इज फ्रॉम डिफरेंट आइडेंटिटी, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें भी पहले आइडेंटिटी फॉर्म करनी है हमें, पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस नाइन का स्क्वायर। देन वी हैव टू राइट आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। देन उसके बाद नॉर्मली पी स्क्वायर माइनस नाइन पी स्क्वायर प्लस नाइन। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। अच्छा, इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये तो अभी तक नॉर्मली था जो हम लोग करते आ रहे थे, बट थर्ड में क्या है कि थोड़ा सा कुछ अलग होगा एंड में जाके। ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, नाउ y प्लस z का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, राइट। उसके बाद हम आइडेंटिटी लिखेंगे कि हम कौन सी यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। ओके, नाउ अब इसको हमने लिखा x स्क्वायर माइनस y प्लस z का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर लिखा। अब इस वाले पार्ट में तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती, कुछ नहीं लग सकता कि हम इसको आगे और फैक्टराइज करें, बट इस वाले में क्या होगा, इस वाले ब्रैकेट में दोबारा से देखो यही वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। बट जब आप सेम पार्ट में दो बारी वैसे ही आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को दोबारा रीजन देने की जरूरत नहीं है, पहले वाले से ही टीचर को पता चल जाएगा कि दैट यू नो द आइडेंटिटी एंड यू नो द रीजन। ओके, अगर हाँ, अगर एक ही क्वेश्चन में दो डिफरेंट आइडेंटिटी अप्लाई हो रही होती तो आप लोग क्या करते, दोनों आइडेंटिटीज को लिखते रीजन देने के लिए, बट यहाँ पे सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो कोई जरूरत नहीं है। नाउ यहाँ पे भी वही वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा नीचे। नाउ इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे जैसे हमने इस वाले ब्रैकेट को ओपन किया है, और ये बात मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूं कि जब माइनस है बाहर तो अंदर जो ब्रैकेट में चीज है उसके सारे के सारे साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तब। ओके, दिस इज द आंसर। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में भी होगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा। क्या, पहले हम इसकी आइडेंटिटी बनाएंगे,
देन हम आइडेंटिटी का रीजन लिखेंगे, देन उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड का स्क्वायर। इस वाले में तो कुछ नहीं होगा, बट इस वाले में दोबारा से ही ऐसे आइडेंटिटी लगेगी, कैसे, एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस माइनस नाउ जब हम इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो एक्स है वो नेगेटिव का हो जाएगा और जेड पॉजिटिव का, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहां पे टू एक्स माइनस जेड आएगा, यहां पे हमने एक्स एक्स को ऐड कर दिया, लाइक टर्म्स ऐड हो जाती हैं, ये तो सभी को पता होगा, इस कॉन्सेप्ट से तो कोई अनजान नहीं है कि जो लाइक टर्म्स है वो ऐड हो जाएंगी और जो लाइक टर्म्स हैं वो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, जेड टू एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर इज द आंसर। ओके लेट मी सी कि ये कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दो सेकेंड। हाँ ओके फाइन है। नाउ फिफ्थ पार्ट, अब इसमें हमें एक अलग आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करनी इन द बिगनिंग। ओके अब यहां पे देखो, हम लोगों ने तीन मेन आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, राइट, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इसमें नहीं लगेगी, प्लस वाली आइडेंटिटी जब बीच में प्लस होता है तो लगती है, तो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a माइनस बी का स्क्वायर वाली, b का होल स्क्वायर वाली। ओके तो यहां पे हम पहले आइडेंटिटी बनाएंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। फिर यहां पे आइडेंटिटी लिखेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होंगे, सो इट्स बेटर कि आप लोग आइडेंटिटीज लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन की वीडियो डालती हूँ तो आइडेंटिटी एक दो बाई तो जरूर लिख भी देती हूँ और रिकॉल भी करा देती हूँ, बट आप लोग जब खुद से लर्न नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। देन बन गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको हम खोलेंगे कौन सी वाली आइडेंटिटी से, इस वाली आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। यहाँ पे अप्लाई हो सकती है ना, अभी और फैक्टराइज हो सकता है। देखो जब तक आप लोगों को इसको फैक्टराइज करते जाना है, जब तक कि कोई और आइडेंटिटी आपको समझ में ना आ रही हो कि लगेगी, जैसे कि हम इसके आगे इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, बट यहाँ इसके आगे हम इसको और फैक्टराइज कर सकते थे, बट इसके बाद हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि जो इस चीज को फैक्टराइज कर सके। ओके तो हम यहाँ पे वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, राइट, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। नाउ क्या हो गया, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, अंदर की जो डिजिट्स हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ अगर कुछ प्लस में या माइनस में होता, ये तो देखो ये दोनों टर्म्स हैं वो प्लस, वो मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ होता तब हम इसको ऐसे डबल मतलब स्क्वायर स्क्वायर करके नहीं खोल सकते थे। ओके हमें यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन में है और तब स्क्वायर है तब हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये भी चीज आप लोगों को क्लियर होगी, क्योंकि अब इसका हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते। अगर अब हम इसका फर्दर डिवीजन करेंगे तो मतलब कि यहां से आइडेंटिटी से इसको खोलना शुरू कर देंगे दोबारा से, तो दोबारा से क्या बन जाएगा, यही चीज बन जाएगी, हमारे क्वेश्चन करने में कोई फायदा नहीं होगा। ओके सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये फाइव पार्ट समझ में आए होंगे, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे
और अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक और बार देखोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ओके। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन तो ओरली है, चलो हो जाएंगे, बट अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोगों की स्पीड भी होनी चाहिए ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आप लोग उनको स्पीडीली कर सको। ये नहीं कि आप सोच सोच के एक एक स्टेप, यार इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो जितनी आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस करोगे इन सारे ही क्वेश्चंस की, उतनी आइडेंटिटीज आपको क्लियर होती चली जाएंगी, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, और फिर ऐसे ही क्वेश्चन करते करते आप लोगों को आइडेंटिटीज भी लर्न हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ए बी वेरिएबल की टर्म में है तो हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल देंगे वो ए बी वेरिएबल की टर्म में नहीं देंगे। यहाँ पे जैसे कि पी वेरिएबल है तो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल देंगे वो पी में नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में इंक्लूड हो रहा है उस वेरिएबल को हटा के हम किसी भी वेरिएबल से ये रीजनिंग दे सकते हैं, बट उसी वेरिएबल से नहीं दे सकते। क्यों? क्यों? ताकि मतलब टीचर कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई आपने यही वाले वेरिएबल्स यूज करे हैं, आप क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो। तो आपको डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करने हैं जो क्वेश्चन में यूज हुए हुए हैं, मतलब जो एग्जाम्पल है वो डिफरेंट वेरिएबल से देना है, ओके। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ओके। और एक बार अगर प्रैक्टिस करने पर भी नहीं आ रहे तो वीडियो को रिपीट कर